हाय, मेरा नाम है यश और एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको बायोमेट्रिक्स के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है। तो आज हुए 31 अगस्त, तो 13 अगस्त शाम 6 बजे मैंने वीजा फाइल रख दी थी। तो आज ही मुझे सुबह ही मेल आया कि बायोमेट्रिक्स का कलेक्शन लेटर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने RCC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैंने बायोमेट्रिक का कलेक्शन लेटर डाउनलोड कर दिया है। तो मैं आज आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि ऐसे आपको अपॉइंटमेंट बुक करानी है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने मुताबिक अपनी डेट या समय आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। वो लोग आपको सेंड करेंगे किस डेट और कौन से समय पे आपको बायोमेट्रिक्स के लिए वहां पे जाना है। तो मैं आपको आगे भी वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो और पूरी वीडियो देख। तो बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट बुक कराने के बायोमेट्रिक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जिसका नाम है VFS ग्लोबल। तो हम आ चुके हैं, वहां पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज दिखेगा जिसमें लिखा होगा कि शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट फॉर बायोमेट्रिक एनरोलमेंट। तो वहां पे लास्ट में चले जाना है और यहां पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बट आपको फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है क्योंकि अभी दूसरे 3 वर्क नहीं कर रहे। तो यहां पे आपको प्लीज क्लिक हियर टू शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको COVID-19 अपडेट्स करके लिखा होगा, वहां पे आपको लास्ट में चले जाना है और अपनी सिटी सिलेक्ट कर देनी है। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली, जलंधर, चंडीगढ़, मुंबई, अहमदाबाद। तो मेरी अहमदाबाद है तो मैं अहमदाबाद पर सिलेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे लिखा है इंडिया विल ओनली बी शेड्यूल अपॉइंटमेंट बाय कंप्लीटिंग द अपॉइंटमेंट बुकिंग वेब फॉर्म। तो यहाँ पे वेब फॉर्म पर क्लिक कर देंगे, वहाँ पे लिखा होगा कि अपॉइंटमेंट टाइप बायोमेट्रिक एनरोलमेंट। यहाँ पे आपको प्रोसेस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन सेंटर जहाँ पे आप बायोमेट्रिक्स करवाना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लेना है। तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, यहाँ तो मैं अहमदाबाद मेरी है तो वो सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद नंबर ऑफ एप्लीकेंट, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपको सेकंड ऑप्शन 2 एप्लीकेंट्स करना है। अगर आप स्टूडेंट 1 ही हो तो आपको 1 ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर लेना है और गेट OTP पर क्लिक कर लेना है। जब आप गेट OTP पर सिलेक्ट करोगे तो आपके नंबर पर OTP आ जाएगा। तो वैलिडेट OTP पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा होगा कि एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे अपलोड करना है। जो अपलोड करना है वो है प्लीज नोट दैट यू शुड अपलोड योर बायोमेट्रिक लेटर इन PDF फॉर्मेट एंड रिसीव फॉर आई एम। तो आपको RCC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जहाँ पे आपको बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर आपको डाउनलोड कर देना है। और यही आपको सेम आपको स्कैन भी नहीं कराना, वही PDF आपको यहाँ पे अपलोड कर देने है। तो हम कर देते हैं अपलोड। तो जब हम तो उसके बाद हमें यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर डाल देना है। ऑटोमेटिकली सारे ऑप्शन आ जाएंगे। और उसके बाद ईमेल, तो ईमेल आईडी डालने के बाद आपको एक्शन पे सेव पर क्लिक कर लेना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले आना है और यहाँ पे लिखा होगा कि क्लिक रीड मोर टू व्यू टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आई एक्नोलेज टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपको एक पेज दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा कि योर अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड योर रेफरेंस नंबर इज। तो आपका जो भी रेफरेंस नंबर हो वो वहाँ पे लिखा होगा। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप अपना अपॉइंटमेंट अपने आप शेड्यूल नहीं कर सकते हो। यू विल रिसीव एन ईमेल कि किस समय आपका बायोमेट्रिक होगा और कौन सी डेट होगी। तो आपका मेल आ जाएगा, तो आपको एक मैसेज भी आएगा जिस नंबर से आपने वहां पे OTP मंगवाई थी उस नंबर पर आपका मैसेज भी आ जाएगा। तो मुझे आफ्टर 5 मिनट मैसेज आ गया था कि मेरी अपॉइंटमेंट इस दिन है और वो इस टाइम है। तो आपको मेल भी आएगा और मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो कि प्लीज डाउनलोड द कंसेंट फॉर्म। तो उसको आपको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करके आपको उस पर आपको सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, सारी इंस्ट्रक्शन देख सकते हो। और ये सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपको इस कंसेंट फॉर्म को अपने साथ ले जाना है एज पर द गाइडलाइंस। तो ऐसे आपको बायोमेट्रिक्स का फॉर्म फिल करना है और ऐसे कंसेंट फॉर्म आपको डाउनलोड कर देने। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।